إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور معدستها وكل معدسة بدعة وكل بدعة ضلالة

आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीन इब्राहिमी का तस्वर ये खसूस तौर पर टॉपिक मैं इसलिए आज आप डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आ, मेरा इंट्रैक्शन कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो बेसिकली इस्लाम का जो यानी आप ये समझे कि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डिफरेंटली लोगों को प्रजेंट करके ये तसवर दे रहे हैं कि असल में ये दीन दीन इब्राहीम ही है तो अगर आप इसकी बेस में जा के देखें हिस्ट्री में जा के देखें तो कहाँ ऑब्वियसली जो बुनियादी अकायद हैं इब्राहीम जो कि तमाम अम्बिया सलात ज़्यादातर अम्बिया सलातम के यानी वालिद भी हैं उनके उनके जद अमजद भी हैं चाहे वो जितने भी पैगम्बर और रसूल बनी इसराइल में से आए या जो आखिरी नबी सल्लाम की खत्म में नबूत के साथ हसूर पाकल वसलम की शक्ल में तशरीफ़ मोहम्मद वसलम तशरीफ़ लाए वो सब का सिलसिला हज़रत इब्राहीम के साथ मिलता है लेकिन इस बात को और इस तस्वूर को कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज कल कुछ लोग आ, इसकी शक्ल मश करके पेश कर रहे हैं यानी लोगों के दिलों में एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम बेसिकली दीन इब्राहिमी है तो इसको मैं थोड़ा सा एलाबरेट करना चाहता हूँ समझने के लिए कि आप और मैं जो हैं वो इस, इस सारे बुनियादी अक़ायद को समझ सकें अल्लाह के दीन को समझ सकें उस दीन के कनेक्शन को समझ सकें और फिर हम इस्लाम की हकानियत को उस तरह से जानें जिस तरह से हकानियत नबी अक्रम सल्ह ने हम सबको अता की मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम बहसीत इंसान अपनी कमजोरियां, अपने गुनाह अपनी वो फॉल्ट वो चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं वो कहीं ना कहीं ज़ात तक महदूद होती हैं लेकिन जब बात दीन की आती है तो उसके अंदर जो अकायद हैं दीन की जो हकानियत है दीन के जो अहकाम हैं उसके ऊपर कलैरिटी का होना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी और बुनियादी अकीदे में फ़र्क पड़ेगा तो ये आप यकीन मानिए कि इंसान को बिल्कुल एक खुली गुमराही की तरफ ले चला जाता है सबसे पहले थोड़ी सी ये बात समझ लें कि सैदा इब्राहीम जो इस दुनिया के अंदर तमाम अम्बिया सलाम की जिनका जिक्र क़ुर पाक में उन सब सबके जद्दामजद हैं क्योंकि बनी इसराइल के अंदर भी जो अम्बिया सलाम जितने नबी आए वो सारे के सारे उनका सिलसिला हद, इसहाक़ के से जुड़ते हुए हज़रत इब्राहिम तक पहुँचता और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का जो शजरा है वो भी हज़रत इस्माइल के ज़रिए से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले आए हैं वो एक मुकम्मल और कामिल दीन है और उसका नाम अल्लाह ने उसको दीन के तौर पर चुना अल्लाह ने उसको इस्लाम कहा अल्लाह ने उन सारी उन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तरह से बयान किया तो इन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस चीज़ को समझ सकें तो सैदना इब्राहीम पे जो ज़माना गुज़रा ये वो ज़माना है कि जब नमरूद जो था वो अपने ज़माने में अपने आप को जो भी उसका खुदाई दावा था या जो भी अकीदे वो दु, दुनिया के अंदर मखलूक तक पह, पह, पहुँचा रहा था हज़रत इब्राहिम ने सबसे पहले उसके साथ बगावत की और ये जारी बात है वो बगावत ऐसी नहीं थी कि आप किसी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एट किसी पोलिटिकल रीज़न के लिए या किसी और आ, फ़ायदे के लिए आप ये बगावत करें ये बगावत थी कि भाई तुम जिस तरह से अल्लाह के तुम जो रब का कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हो ये कॉन्सेप्ट गलत है उन्होंने कहा कि सलाती मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महया व ममाती और मेरी ज़िंदगी और मौत ललबिलमीन फ़कत अल्लाह के वास्ते है यानी मेरी ज़िंदगी का जो जो कुछ है चाहे वो इबादतों की शक्ल में है एफ़र्ट्स की शक्ल में है जिंदगी के किसी और उसके जो है पस मंजर में है या मौत है ये सब की सब अल्लाह के लिए है तो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट वो लेके आए उस वक़्त जारी बात है चूंकि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि इन सलाह मेरी नमाज व की और मेरी कुर्बानी तो जारी बात है कि एक कुर्बानी का कॉन्सेप्ट था नमाज का कॉन्सेप्ट था लेकिन इसकी कम्प्लीशन आपको नजर आएगी आगे चल के कि इसकी कंप्लीशन हुई कब उस वक़्त एक जाबिर और एक जालिम बादशाह जिसका नाम नमरूद था वो ये बात जो है वो आ, लोगों से मनवाता था कि मुझे ही खुदा जानो मेरी ही मदद में मेरी ही इबादत करो मेरे साथ जो है ज़िंदगी के अपने सारी चीज़ें मेरे साथ रखो और जारी बात है क्योंकि वो एक िम जाबिर बादशाह था उसके पास फौज भी थी उसके पास ताकत भी थी तो उस सारी की सारी ताकत को मिसयूज़ करता था वो सारी ताकत को एक्सप्लॉयट करता था तो इब्राहिम ने उस वक़्त जब ये नारा लगाया कि इन सलाती वनुसुखी वाहिया याबीन कि मेरी तमाम जिंदगी की नमाज़ें यानी मेरी इबादतें मेरी कुर्बानियाँ मेरे एफर्ट्स मेरी, एफर्ट, मेरी जिंदगी मेरी मौत फ़कत उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और तुम तमाम जहानों के पालने ऑबियसली तुम अगर अपनी दुनिया की कैपेसिटी में एक सर्टन अथॉरटी ले भी बैठे हुए हो तो तुम्हें ये चीज़ ये हक नहीं देती कि तुम अपने आप को खुदा कहवाओ तो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट यकीन इब्राहिम से दीने उस दीन की बुनियाद का अगर आप कह लें क्योंकि देखिए वैसे तो कमो बेश एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया सलाम एक, एक रफ नंबर इस तरह से बोलते हैं कि अल्लाह ने हर जगह जो है अल्लाह ने नबियों को इंसान की रुश्त हदायत के लिए भेजा हर जगह पर अल्लाह रबुल्जत ने रुश् हदायत के लिए इंसानियत की रिश्तो हदायत के लिए अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ जगह पे अम्बिया भेजे लेकिन अगर आप कुरान में देखें तो कुरान के अंदर तो चंद नबियों का है जो नाम के साथ बताए गए हैं और वो भी ज्यादातर वही अम्बिया हैं जो इब्राहिम तो के शजरा ने सबसे चले तो एक बात तो ये हक है कि अल्लाह ने कोई ठिकाना मकाम नहीं भेजा जहाँ अल्ला ने्ला ने इंसानियत की रिश्त हदायत के लिए नबी ना भेजे भेजो लेकिन वो नबी उस वक़्त उतना ही दीन बयान करते थे जो इंसान की चंद बेसिक आ, की शक्ल में बताते थे, थे कि हाँ ये एक मेन बात है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ ये तमाम नबियों ने ये, ये ये बात बोली और इसमें तमाम रियासत सलाम जो थे वो एक ही बात पर वो कायल थे और इस बात को उनका ईमान था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना या अल्लाह से किसी अल्लाह के सिवा किसी से इस्तानत और मदद तलब करना ये इंतहाई बड़ा गुना है शिरक है ये तो इब्राहिम ने जब जब नमरूद का इनकार किया वो वाक्य आप सब जानते हैं कि उसके बाद एक अलाव बनाया गया इब्राहिम को उसमें फेंकने जब फेंकने की कोशिश की अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि या ना रकूनी बरदन अला इब्राहिम इब्राहिम के लिए तो ठंडी भी हो जा और तो सलामती भी बन जाए इब्राहिम ये एक अलग वाक्य है लेकिन मैं चूँकि आज का टॉपिक डिफरेंट है तो मैं इसकी डिटेल में इधर नहीं जा रहा इब्राहीम को अल्लाह ने नार नमरूद से बचा कर दीन की दावत और तबलीग के लिए एक बुनियादी अहकाम दिए और उस जमाने में जो भी क़ुरबानी की शक्ल थी जो भी चंद अच्छाई के फैक्टर थे वो रिचुल्स की शक्ल में थे या इबादत की शक्ल में थे वो इब्राहिम को अता किए गए लेकिन यहाँ पर यह सोचिए कि वो सारा एक दीन का स्ट्रक्चर जो है जो नबी आखिर आखिर खाते में नबी अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया वो वैसा स्ट्रक्चर नहीं था क्योंकि उस नबी इब्राहिम से जितने भी सलाम तो उनकी नस्लों में पैदा हुए ऑब्वियसली इसकाम से जो बनी इसराइल तक जो जो सिलसिला चलता है इसाकाम फिर याकूब फिर यूसुफ यूसफ़्ला फिर इस तरह यूसुफ यूसफ़ के बाद ऐबा और उसके बाद जितने भी अम्बियात आए वो सब के सब वो एक इब्राहिम मैसेज दीन इब्राहिम का एक मैसेज कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी अल्लाह के सिवा किसी से इस्तानत नहीं तलब करनी चंद अच्छाई और बुराई के कवानीन लेके वो ये बताते रहे इसमें बनी इसराइल के अंदर मूसलम भी तशरीफ़ लाए ईसा भी तशरीफ़ लाए दाऊदल भी तशरीफ़ लाए और उनको रब्बुल इज़्ज़त ने दीनी क़ुतुब भी अँ फ़रमाई मूसीम को अल्लाह ने तौरात नसीब अता फ़रमाई दाऊद को अल्लाह ने ज़बूर नसीब फरमाई फ़रमाई और ईसीम को अल्लाह ने इंजील नसीब फरमाई और वो भी अपने वक्त के तौर पर अहकाम को ले के दुनिया में फैलाते रहे लेकिन एक बात आप गौर से अगर देखें तो वो उस जमाने में एक ख़ास ख़त्े में एक ख़ास जगह में वो मैसेज उन लोगों ने अल्लाह का मैसेज फैलाया वो बरहक मैसेज था इसमें कुछ शक नहीं है वो अल्लाह का ही मैसेज था वो अल्लाह की ही इल्हामी किताबें थी वो अल्लाह ही के अहकाम थे लेकिन वो तमाम अहकाम एक ज़माने के लिए एक, एक, एक आ, उन उस इलाके के लिए उन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने उनको उनको अता फरमाया और उस वक़्त वो वही किताबें हक समझी जब समझी जाती थी, थी जब तक के अल्लाह की आखिरी आखिरी किताब नहीं आ गई हमारे तो ईमान का हिस्सा है ना हम इस पर ईमान रखते हैं कि यानी जितनी कुतुब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह पाक ने जिन भी अम्बिया सरतम तो को अता फरमाई वो सारी कुतुब बरहक थी लेकिन जो एक फाइनल मैसेज आना था जो एक फाइनल आखिरी रसूल को आना था जहां दीन को एक कंप्लीट कंपोज शकल देकर क्यामत तक के लिए एक मैनिफेस्टो बनाना था वो उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि रसोल्ला सल्ला दुनिया में तशरीफ़ नहीं ले आए और वो सारी इल्हामी किताबें जो उसमें बेसिक उसका जो क्रस्क था उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें थीं अकायद के हवाले से या इबादत के हवाले से वो कुरान ने उसको अडेप्ट किया है उसको उन चीज़ों को कुरान ने अडेप्ट किया है ज़रूर किया है लेकिन ये अडाप्टेन जो थी आप समझें कि ये इसका आखिरी कंप्लीट वर्जन जो था वो कुरान की शक्ल में कंपाइल हुआ तो जिस बात को मैं आप आज से कर रहा हूं आपके साथ कर रहा हूं कि एक तो है कि इब्राहिम ने बुनियादी अकायद का कॉन्सेप्ट दिया दीन इब्राहिम एक कंपोज स्ट्रक्चर्ड दीन नहीं था जो आने वाली उम्मतों के लिए क्यामत तक के लिए होता उन्होंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया उनसे जो औलादे पैदा हुई बनी इसराइल के अंदर जो उनके, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी नबी बने वो सब के सब अल्लाह के रसूल सॉरी वो सब के सब अल्लाह के दीन का प्रचार करते रहे लेकिन हतमी शक्ल दीन इब्राहिम की जो थी वो रसूल अल्लाह वसल्लम की शक्ल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई और जिस वक़्त इब्राहीम इवन जो काबत की बुनियादों से दीवार उठा रहे थे और जिन मसाइल से गुजरे अल्लाह ताला फरमाते हैं वब तला इब्राहिम और अब कलेम इनफात महन कि इब्राहिम पे चूंकि मुश्किल बहुत आईं परेशानियाँ बहुत इम्तहाना बहुत आए कभी आग में गिराया जाने लगा कभी बच्चों को छोड़ देने के लिए क्या एक, एक, एक दशत और आ, सहरा में कहा कि बच्चों को छोड़ के इन बीवी बच्चों को छोड़ दें इसमाइल की शक्ल में कहा कि छोड़ दें उनको भी छोड़ा उन्होंने फिर उसके अलावा उनके साथ जो है ना शुरू में भी जो आ, उनके साथ मसाइल पैदा हुए बेटे को ज़बा करने को बोला गया तो अल्लाह ने कुरान में कहा वबला इब्राहिम और अब बहूब कलेमातिन फ़ातम जब इब्राहिम को मुख्तलिफ मसाइब और इबला से आज़माया गया तो उसमें पूरे उतरे पूरे पूरे उतरे काला इन्नी जा से इमामा और अल्लाह ने कहा कि हम आपको तमाम इंसानियत का इमाम बनाएंगे काला उमिन जर्रिय उन्होंने कहा मेरी उम्मत में भी इमाम बनाए तो अल्लाह ने कहा यकीन तुम्हारी तुम्हारी जो नस्लें हैं उससे जरूरी से उस जरूरीत में भी तुम्हारे पेशवा बनेंगे रसूल या, ऐसे आएंगे जो जो लोगों की हदायत का और हदायत का सरचश्मा होंगे लेकिन लनाद झालिमी जालमों तक जो जुल्म करने वाले होंगे ये उन उनको ये फरीजा नहीं सौंपा जाएगा तो इस बेज़ तला इब्राहिम अरबू बलिमिनफ़ा तम कल इनजाकल्ला से इमामा

का तस्वुर तो मैं बात कर रहा था कि इब्राहिम इब्राहीम ने सिर्फ बुनियादी अकायद बताए और काबतुल्ल के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें थी जिसमें मनासिक थे हज था नमाजता कुछ ऐसे अहकाम को उन्होंने रिचुल्स रिचुल्स की शकल में एक एक लैगसी या एक एक तालीमात की शक्ल में वो हमारे लिए छोड़ी तो कुरने पाक इसकी दलाल करते वाहिदना इब्राहिम और इसमायराबाई थी कि जब ये अहद लिया गया इब्राहिम और इसमाइल से कि थी कितवा रबाइतीफ़ी तवाफ़ करने वालों के लिए व लाकफी एहतिकाफ़ करने के वालों के लिए व रुक सजूद और सज सج, सजद और रुकू करने वालों के लिए यानी कुछ बुनियादी तालीमत रिचुअल्स इब्राहीम ने और कुछ अकायद जो बुनियादी अक़ायद अल्लाह की कीत के साथ अल्लाह की वदानियत के साथ ये अहकाम इब्राहिम ने अपने दौर में अपने वक्त में इनका प्रचार किया यानी वहदानियत सिखाई लोगों को, कोलूवीत सिखाई इन्होंने कि देखो अल्लाह एक है अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ तुम्हारी रोज़ा नमाज उस सॉरी तुम्हारा जो नमाज और कुर्बानी है वो फकत अल्लाह के लिए है तो इब्राहीम ने एक दीन का बुनियादी अकायद एक लिमिटेड वर्जन में पेश किए यानी ये तस्वुर जो आज कल बाज लोग बात करने लगे हैं कि जो एक्चुअल वो है वो दीन इब्राहिमी ही है तो बुनियादी अकायद तक तो ठीक है लेकिन जो एक स्ट्रक्चर दीन है जो कंप्लीट शकल के अंदर दीन है वो तो मोहम्मद वसल्लम के वास्ते से और सदके से हमको मिला तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इब्राहिम ने मनासे के हज सिखाए काबतल्ला को उन्होंने पाक किया उस बेटे हजरत इब्राहीम इसमाय के साथ मिलकर उन्होंने काबतल्ल की दोबारा से तामीर की वाइज़ वज़ यरफाऊ इब्राहीमदिनबै व इसमाही जब इब्राहिम इब्राहीम, जब इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल के साथ काबतल्ला की दीवारों को चढ़ा रहे थे जो कि तूफान नू में वो मुन वो गिर गई थी वो दीवारें उसको दोबारा से उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया

अब एक स्ट्रक्चर शक्ल के अंदर एक दीन इसके अंदर आए तो अब आप देखें कि अलैहिस्सलाम से जितने भी इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ तक जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम तो इसहाक अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल में हर बाप के बाद जो बेटा पैदा हुआ वो भी नबी हुआ जबकि हजरत इस्माइल के बाद नबी नहीं पैदा हुआ और इसमाही नबी थे लेकिन उनके बाद कोई नहीं हुए कोई नबी पैदा नहीं हुआ यहाँ तक कि आखिर आखिर नबी रसलीसम की नस्ल से पैदा हुआ है अब इसमें जो समझने वाली बात है कि इब्राहीम जब ये काबतल की दीवारों को उठा रहे थे तो वह वो अल्लाह जा, जारी बात से दुआ मांग रखी थी कि मेरी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो तेरे दीन की तेरी तेरी खलकत को रिश्त हदायत का रास्ता बताएं और इमाम बन सकें उनके जो भी नबी बने बनी इसराइल से पैदा हुए लेकिन जो इब्राहीम काबा के अंदर दुआ मांग रहे थे बना वासफ़ी हिम रसूल मिन हम यानी काबातल्ला के अंदर ये दुआ करते कि इन में एक ऐसा रसूल मबूस फरमा यतलू अलैहिम हिम जो तेरी आयतें इनको पढ़ के सुनाए किताब और किताब का इनको इल्म दे वालमा और इनको हिकमत सिखाए व युज़क्की हिम और इनका तज्या नफ़ करे ये अल्लाह के नबी और रसूल इब्राहीम तमामबिया के वालद और जद्द अमजद अल्लाह से ये तामीर क़बा पर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल पैदा फरमा यनी मोहम्मद रसूल अल्लाम जो आके तेरे कुरान तेरे तेरा कुरान सिखाए तेरी किताब पढ़ के सुनाए हिकमत की बातें सिखाए और तस्किया नफ्स करे और तेरी आयतें इनको पढ़ पढ़ के बताए तो इवन इब्राहिम जब अपने काबा के अंदर अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे तो इसकी कंप्लीशन की दुआ मांग रहे थे कि वो आखिरी नबी जो है इसी कौम में पैदा फरमा इन्हीं में से पैदा फरमा यानी चूंकि वो उस वक्त क़ाबतुल्ला तो मक्का में है और नबी इब्राहिम जो थे वो तो इब्रानी बोलते थे वो इब्राह उनकी जुबान अरबी नहीं थी वो इब्रानी बोलते थे और चूंकि वो इब्रानी बोलते थे उनकी अलैहिस्सलाम से सारी औलाद जो है वो उस फलस्तीन वाले इलाके में पैदा हुई बेटा दर बेटा सब उस जगह पैदा हुआ लेकिन अब इस मकाम पर खड़े होकर क्या दुआ कर रहे हैं रबना वीम रसूल मिनहुम यानी मक्का की जो इर्द गिर्ज के जो लोग थे वो खिता है उसमें कैरल में एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए तेरी कुरान का इल्म दे हिकमत की बातें सिखाए और तस्किया नफ्स करे तो इब्राहीम उस आखिरी नबी की लिए दुआ कर रहे थे कि जिसने दीन इस्लाम हतमी शक्ल में लेके आना था खतमसलिन थे वो जो लेके आ रहे थे अल्लाह के आखिरी नबी थे जिन्होंने कयामत तक के लिए अल्लाह के दिन को चलाना था और यही वजह है कि जो इब्राहिम ने जो बुनियादी अकायद जिस जिसका मैंने आपसे अर्ज की कि जिसका तल्लु अल्लाह की वदानियत से था और नमाज और चंद कुर्बानी की चीजें और काबतुल्ला के साथ जो जो इतकाफ़ हो रहा था उसके अंदर या उसके अंदर जो तवाफ हो रहा था या उसके अंदर जो नमाज़ें पढ़ी जा रही थी वो उस एक सर्टन रिचुलाइज दीन को लेके आए और कंप्लीशन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी कि इनमें एक ऐसा रसूल पैदा फ़रमा जो तेरी किताब भी सिखाए तेरा तेरा दिया आयतों को भी पढ़ के बता सके हमत भी सिखाए और तस्कियानाश भी करे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में अल्लाह तसूल हज़रत इब्राहिम की दुआ कबूल फ़रमाई और ये दुआ कबूल फरमा के उन्होंने एक ऐसा रसूल इंसानियत को अल्लाह अता फरमाया कि जिसके जिसने जो किताब कुरान की शक्ल में दी गई वो तमाम पिछले तमाम अहकाम को इनकॉपरेट करके बुनियादी अकायद को लेकर एक फ़ाइनल स्क्रिप्चर एक फ़ाइनल टेस्टमेंट की शक्ल में दी गई और वो फाइनल टेस्टमेंट जो क़ुरान है वो क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए रिश्त हदायत है और उस रिश्त हदायत का सिलसिला अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में कहा कि जब वो कुरान मुकम्मल हुआ क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का जो आना है वो तो मक्के की जिंदगी से शुरू हो गया जब पहली वही उनके पास आई इकराब रबी खलक क्या अल्लाह के आप ये ये पढ़ें अल्लाह के नाम के साथ जो गार गाररा के अंदर जो अल्लाह तैरी वही भेजी लेकिन इस गार हरा की वही से उस वही तक जब अल्लाह ने अपने अहकाम को पूरा आ, मुकम्मल करार दिया इसके अंदर तेईस कम वेश तेईस साल का अरसा शामिल है मक्के की ज़िंदगी शामिल है मदनी ज़िंदगी शामिल है और उस पर अल्लाह ने कुरान में ये अल्लाह के अल्लाह ने कहा कि अल्माकमल तोनकुम वकम तो आरकुम नेमती और अदी तो इस्लाम दीना कि ए रसूल आज वो मुबारक दिन है आज आपका दीन अलिया आज आपका दीन, दीन मुकम्मल हो गया वो इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी ऐसा रसूल भेज इब्राहिम दुआ कर रहे ऐसा रसूल भेज कुरान सिखाए किताब सिखाए इल्म सिखाए तस्किया नफ्स करे और वसल्लम की जिंदगी में वो कुरानी आयत आई कि अल्मा अकमल लकुम दीनुकुम वत्म तोम नती और दीना आज आपका दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ नहमत कुरान तमाम हुई और अल्लाह ने दीन इस्लाम आपके लिए चुन लिया अब जो जो कुछ नबी वसल्लम ने तालीम फरमाया उन्होंने उसको मानन सख में ना या उन चीज़ों को उन्होंने जो है ना वो कर दिया आप कहें कि दीन इस्लाम जनी बाज़ ओकात ऐसी वही भी आई मा नख्मयातिन बात अल्लाह रबुल्ज़त उन आयतों को कैंसिल कर देते दे। थे क्योंकि चंद आयत उसमें ऐसी थी जो उस वक्त से आती थी उन लोगों के हिसाब से ख़ास अहकाम के हिसाब से लेकिन जब कुरान मुकम्मल हो गया और अल्लाह की ये बिशारत आ गई कि आपका किताब पूरी हो गई दीन पूरा हो गया और अल्लाह ने दीन इस्लाम आपके लिए चुन लिया तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं मेरा तसवर जो है वो दीन इब्राहिम के तस्वर पर है अब आपके सामने अल्लाह का कम्प्लीट दीन मौजूद है रसोल्ला सल्ला वसम की मुबारक ज़िंदगी मौजूद है कुरान की आयत मौजूद है नबी सल्लाम की सुन्नतें मौजूद हैं हदीस मुबारका मौजूद हैं तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर दीन का बन गया तो ये अब चंद रिचुअलाइज किस्म का दीन नहीं बचा इस्लाम एक कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो रसोल्ला ने हर तरह हर जगह हर मकाम पर यह बताया कि जिंदगी को गुजारना है तो कैसे गुजारो हाँ कभी जब हम जिंदगी नहीं गुजार पाते उस तरह से तो यह हमारी कमजोरी है ये हमारी आप समझे कि हम कभी कभी अपने आप को ऐसा अहल साबित नहीं करते कि अल्लाह के हुक्म को पूरा अपनी जिंदगी में जो है ना ले आए हम गलत कर जाते हैं लेकिन दीन मुकम्मल है रसुल्लाम का अल्लाह का ये स्टैम के अलियम अकमल तोल दीन उकम दीन मुकम्मल हो गया व वातम तोम नाम नमत क़ुरान तमाम हुई व तो वदी इस्लाम दीना और आपके लिए दीन इस्लाम चुन लिया गया और नबी के लिए कहा कि वह महमदाआबा आदि रजालकम उमकाना मोहम्मदिन आबा आहदि रजालकम मोहम्मद तुम मरदों में से किसी के बाप नहीं हैं वला कर रसूल अल्लाह ये अल्लाह के रसूल है वातम नबीन और आखिरी नबी तो दीन मुकम्मल हुआ दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ नबी सल्लम को ख़तमसलिन की स्टैम्प अल्लाह ने लगा दी तो अब जो है इससे पुराना तस्वुर ले के आना यानी इस दीन के आने के बाद पुराना तस्वुर किसी दिन का ले कर आना और उसको ये कहना कि दीन इब्राहीम से ये चीज़ें असल दीन दीन इब्राहिम हैं या इसके अंदर कोई नया नया वर्जन पैदा करना ना इस्लाम से पुराना कोई तस्व इनकॉपरेट हो गया किताब अल्लाह के अंदर अगर पुराने शरीफों में पुरानी आसमानी कुतुब में जो अल्लाह के अहकाम इलाहा अकाम थे वो कुरान के अंदर इनकापरेट हो गए ऑलरेडी और, और वो फाइनल आपके पास एक टेस्टमेंट की शक्ल में आपके सामने आ गया नबी सल्म को खातिमा नबीन कहे कि अल्लाह ने उसके बाद नबियों का सिलसिला भी बंद कर दिया तो अब अगर उससे पहले किसी दीन को रेफर करेंगे या उसके आने वाले बाद के किसी किसी नए नही, एक नई चीज को रेफर करेंगे वो अल्लाह आपसे कबूल नहीं करेगा अब तगी गैर अल इस्लाम दीना फला युकला मिन अगर इस्लाम से अब हट के कोई रास्ता निकालोगे फला युगबला मिन वो आपसे अब कबूल नहीं किया जाएगा

और ये भी बताया कि इस किताब अल्लाह के अंदर अल्लाह नेकाम को मुकम्मल कर दिया है अब अपनी जिंदगी को अगर तुम ये चाहते हो कि तुम एक कामयाब जिंदगी गुजारो एक हदायत वाली जिंदगी गुजारो तो तुम्हारे सामने कुरान के अहकाम मौजूद हैं नबी वसल्लम की सीरत मौजूद है नबी वम की सुन्नतें मौजूद हैं और नबी सल्लम की हादीसी मुबारक मौजूद हैं अब इसके अंदर अपने आप को रख के जिंदगी गुजारो तो असल दीन जो है वो दीन इस्लाम है जिसको अल्लाह ने कहा यह तसुर देना कि दीन इब्राहिम नहीं अकमल अलमा अकमलतलकुम दीन तकमील कर दी मुकम्मल कर दिया हाँ उसकी शक्ल मौजूद थी तमाम बियात सलाम की जिंदगी में दीन की शक्ल मौजूद थी मुकमल रसोल्ला सल्ला वसलम पर हुई तो अल्लाह ने दीन को इस्लाम की शक्ल में मुकम्मल करके किताबल्ला को ने कामिल करके तमाम कर दी मम तो नेमती नमत कुरान तमाम हुई और लकुमुल वदीतलकुम दीना यहाँ तक अल्लाह करें मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया तो अब इसको किसी भी और नाम से याद न करें हम मुसलमान हैं हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं इस्लाम क्या है अल्लाह के अहकाम अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीक़े पर अदा करना नबी अलैहि वसलम के तरीके पैदा करना अपने मानी कुरान से आप नहीं निकाल सकते कि अपनी मर्जी के मानी निकाल के उसकी शक्ल को बदल के आप लोगों को पेश करना शुरू कर दें अल्लाह का इस्लाम जो है अल्लाह का अल्लाह के अहकाम को अहकाम को नबी के तरीके पे अदा करना यही इस्लाम है यही दीन है और यही खाते में नबीन सल्लाम ने हम तक पहुँचाया और उन्होंने जो पहुँचाया वो किताब की शक्ल में वो मुकम्मल हुआ पाए तकबील को पहुंचा और अल्लाह ने उस दीन का नाम दीन इस्लाम रखा इंशाल्लाह इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ मान में रखे अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें व व तैर व मोहम्मद ही बिरहमतिका अजमाइन बराहत के रामीन व रहमतुल्लाहि व वक्या